जब से भारत सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, तब से भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। उसके लिए भारत सरकार कभी कॉरपोरेट टैक्स को कम कर रही है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को इजी कर रही है, तो कभी बहुत सी स्कीम लॉन्च कर रही है। पिछले दो सालों से आप लोगों ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम के बारे में खूब सुना होगा। भारत सरकार एक के बाद एक सेक्टर में PLI स्कीम लॉन्च कर रही है, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। PLI स्कीम से भारत सरकार को बहुत उम्मीद है। भारत सरकार ने कहा है कि PLI स्कीम से भारत में बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। साथ में अगले 5 सालों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन $520 बिलियन बढ़ेगा। PLI स्कीम को 5 साल के लिए लाया गया है और इस स्कीम ने भारत के कुछ सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना शुरू भी कर दिया है और कुछ सेक्टर में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गई है।